हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को बिच्छू के बारे में कुछ रोचक जानकारियाँ दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिच्छू अपने शिकारियों को मारने के लिए अपनी जहरीली पूंछ से डंक मारते हैं। पूंछ का इस्तेमाल शिकारियों के खिलाफ एक उपयोगी बचाव के रूप में किया जाता है। बिच्छू के 8 पैर होते हैं और एक सकरी खंड वाली पूंछ होती है जो अक्सर उनकी पीठ के ऊपर मुड़ती है, जिसके अंत में एक विषैला डंक होता है। बिच्छू की प्रजाति का आकार 1 सेंटीमीटर से लेकर 20 सेंटीमीटर तक होता है। बिच्छू लगभग पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। बिच्छू की लगभग 2000 प्रजातियां पाई जाती हैं। आमतौर पर इंसानों को बिच्छू और उसके जहरीले डंक से डर लगता है, लेकिन बिच्छू की प्रजातियों में केवल 30 से 40 प्रजातियों में जहर होता है जो इंसानों को मारने में सक्षम है। बिच्छू अक्सर दिन में चट्टानों के नीचे और जमीन में छेद करके उसके अंदर रहते हैं और रात के समय भोजन की तलाश में बाहर निकलते हैं। बिच्छू अधिकतर कीड़ों को खाता है। इसके अलावा वे मकड़ियां, छिपकलियां और छोटे चूहों का भी शिकार करते हैं। बिच्छू एक बार में भारी मात्रा में भोजन खा सकते हैं। इसका कारण उनके बड़े भोजन का भंडारण अंग है। यदि आवश्यक हो तो वे बिना खाए 6 से 12 महीने तक जीवित रह सकते हैं। बिच्छू के पास 2 विष की ग्रंथियां होती हैं। बिच्छू केवल अपने शिकार को मारने के लिए अपने डंक का उपयोग नहीं करते हैं, बल्कि वे इसका इस्तेमाल शिकारियों के खिलाफ खुद का बचाव करने के लिए भी करते हैं। तो मैंने आपको बिच्छू के बारे में कुछ रोचक जानकारियां दी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।